तैयार हो जाइए। फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, निम्नलिखित को उनके क्षेत्रफल के अनुसार एक घटते क्रम में लगाएं। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एरिया। और आपके ऑप्शन ये हैं आपके सामने, ए बिहार, बी एशिया, सी भारत यानी इंडिया, डी पटना। समाप्त हो गया, सही क्रम क्या होना चाहिए देखते हैं, हमारे स्क्रीन पर आएगा। सबसे पहले आता है बी एशिया, उसके बाद सी भारत इंडिया, फिर आता है ए बिहार और अंत में डी पटना। ये सही क्रम है, बी सी ए डी, ये है सही उत्तर। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? प्रशांत प्रभु जवाड़े है। आइए भाई साहब, मदद चाहिए आप लोग, आइए हम आपके लिए चलते हैं। धन्यवाद सर। आइए हम है मेरा नाम है प्रशांत जमदाड़े, मेरी उम्र है 30 साल और मैं सांगली महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मेरे दादाजी फौज में सूबेदार थे, मेरे पिताजी भी फौज में थे। मेरा भी कई कई बार मन करता है कि मैं भी अगर फिजिकली फिट होता तो मैं भी फौज में जाता, क्योंकि मुझ में खून फौजी का ही है ना। बचपन में मैं जो दूसरों बच्चों की तरफ देखता था, सारे बच्चे लंच में बाहर जाते थे, ग्राउंड पे खेलते थे, तो अकेलापन महसूस होता था। भगवान से यही बातें करता था कि ये दिक्कतें मुझे ही क्यों हुई। चाला येत नव्हतं, बहुत तकलीफ होत होती त्याला। कुठं पण हे करायचं जायचं म्हटलं तर त्याला उचलून घ्यायचं, आणि संघर्ष केला त्याच्यासाठी। मेरे जीवन में दादाजी की भूमिका बहुत ही अहम रही, जो भी मैं आज हूँ उनकी ही वजह से हूँ। वो बोलते थे अभी से इसे व्हीलचेयर या लाठी का सहारा लेने दिया जाए तो पूरी जिंदगी भर एक किसी पे निर्भर रहेगा, वो आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। यह फौजी का पोता है, यह कभी हार नहीं मानेगा। इसके दिल में हमेशा जिद रहना चाहिए। ये काम हम मुश्किल है मगर उसको पूरा करना है। मैं कौन बनेगा करोड़पति में इसलिए आ रहा हूं कि मैं खुद की कमाई से अपने दोनों पैरों का इलाज कर सकूं, और मेरे जैसे ऐसे कई लोग होंगे जो इन परिस्थितियों से जा रहे हों, उस लोगों को मैं यह एहसास दिलाना चाहता हूं कि अगर मैं इतनी दिक्कतों से कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। एक तो आपके दादाजी की जो बात हमने सुनी वो निश्चित रूप से एक फौजी की आवाज़ है। हाँ सर। वो हार कभी नहीं मानते हैं, प्रयत्न करते रहिए, कुछ ना कुछ हासिल हो ही जाएगा। आप आज इस गर्म कुर्सी पर बैठ करके केबीसी में आ करके किन सपनों को पूरा करना चाह रहे हैं? सर, मेरी फिजिकल डिसेबिलिटी का मैं एक अच्छी तरह की ट्रीटमेंट करना चाहता हूँ। मुझे पैदाइश से मीनिंगोमाइलोसिल बीमारी की वजह से कमर पर एक गांठ था सर। ओके। वो गांठ की वजह से मैं
पीठ के ऊपर सो नहीं पाता था सर, बहुत दिक्कत होती थी, दर्द रहता था। जब मैं 6-7 महीने का था तब घर वालों ने डॉक्टर को दिखाया, ऐसा ऐसा गांठ है। फिर डॉक्टर बोले कि एक गांठ निकालनी पड़ेगी सर्जरी करके, लेकिन वो उस गांठ में क्या हो गया था, पैरों की ओर जाने वाली नर्व सा आपस में कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो गया था सर। उसकी वजह से सर्जरी के समय गांठ कट करने से वो नर्व्स भी कट हो गए। और दोनों पैर भी सर मेरे अभी बहुत ही मतलब वीक है, वीक कमजोर हो गए। और उनकी इतनी मतलब ग्रोथ नहीं हो पाई। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, इसका इलाज हो सकता है? सर अभी कैसा है, थोड़ी थोड़ी जानकारी हमने जुटाई, लेकिन उसका खर्चा उन्होंने बहुत ज्यादा बताया, 10-12 लाख से आसपास जा सकता है। और अभी पैसे ही नहीं है इसी वजह से। मुंबई में बहुत ऐसे अस्पताल हैं सर जो कि खास तौर से ऐसे विशेष डॉक्टर्स हैं। अच्छा सर। जो नर्स को देखते हैं, नर्स का काम देखते हैं, नर्स का काम, और जगत विख्यात हैं वो, ऐसा उनके बारे में सुना। अच्छा सर। मैं कोशिश करूंगा कि अगर आप अपनी जानकारी हमको दे देंगे ठीक है तो सर। मैं उनसे बात करके हो सका तो आपके इलाज में किसी भी तरह से अगर हम सहयोग दे सकेंगे तो उसको हम देना चाहते हैं। धन्यवाद सर। क्या है भाई साहब, ऐसा है कि हमारे शरीर में भी बहुत सारे दुर्घटनाएं हुई। हाँ सर। और होती रहती हैं, तो ये सब जानकारी हमको मिलती रहती है। तो अभी हाल ही में हमको पता चला, हाँ, हमारा ये जो हाथ है ना, ये सब सुन्न हो गया। अच्छा सर। तो बोला सर ये अच्छा नहीं है। हमने कहा हाँ मालूम है, अच्छा नहीं भैया। और इसी विषय में हमको बताया गया था कि बॉम्बे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर हैं। अच्छा सर। ये सब काम देखते हैं, हालांकि हर अस्पताल में, बड़े अस्पताल में ऐसा नर्व के डॉक्टर्स होते हैं, तो उनसे सलाह मशवरा किया जा सकता है। हम आपसे जानकारी लेंगे खेल के बाद। ऑलराइट, हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। आज आप अपने साथ किनको लाए? सर आज मेरे साथ मेरे पिताजी और मेरा छोटा भाई आया है। प्रणाम करता हूँ आपको, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम। और प्रशांत जी, हम चाहेंगे कि अब आपका ध्यान जो है खेल की ओर आ जाए। जी सर, जी सर। खेल के नियम तो आपको पता ही है, कई बार आपने सुना होगा, देखा भी होगा, इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। आरंभ करते हैं, लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति। प्रशांत जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। धन्यवाद। आ गया पहला प्रश्न, 1,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। आमतौर पर इनमें से किससे बैंक खाते से पैसे नहीं निकाले जा सकते? Which of these is not usually used to take out money from a bank account? A. ATM कार्ड, B. चेक, C. विड्रॉल फॉर्म, या D. राशन कार्ड। सर ऑप्शन डी, राशन कार्ड। डी, राशन कार्ड को कर रहे हैं ताला लगाने के लिए, बिल्कुल लॉक कर दिया जाए। एकदम सही उत्तर दिया आपने। दूसरा प्रश्न, 2000 स्क्रीन के ऊपर आपके, ये रहा प्रशांत जी। इनमें से किसे गले को गर्म रखने के लिए पहना जाता है? गले को। Which of these is often worn to keep the neck warm? A. सॉक्स, बी शॉर्ट्स, सी स्कार्फ, या डी ग्लव्स। मोजे, शॉर्ट्स, स्कार्फ, या दस्ताने। सर ऑप्शन सी स्कार्फ। ऑप्शन सी स्कार्फ को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए,
ये भी सही जवाब है आपका, जोरदार जीत गए। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर, 3,000 रुपए। तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। अरे बाप रे, मोहब्बतें फिल्म में परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन किस संस्था के 3 स्तंभ है? ये पता नहीं ये हमसे पूछ रहा है या आपसे पूछ रहा है। परंपरा, प्रतिष्ठा एंड अनुशासन आर द 3 पिलर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूशन इन द मूवी मोहब्बतें? ए इंपीरियल कॉलेज, बी गुरुकुल, सी सेंट टेरेसा कॉलेज या डी राजपूत कॉलेज। सर परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन इस गुरुकुल के 3 स्तंभ है, बी ऑप्शन बी गुरुकुल। बी पता लगाया जाए खंबीर जी, बिल्कुल सही उत्तर बोल दिया आपने, 3,000 रुपए जीत गया। ऑलराइट, चौथा प्रश्न आ रहा है, 5,000 रुपए इसका मूल्य। चौथा प्रश्न 5,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि किसी पुस्तक के 200 पन्नों में से आपने 75 पढ़ लिए हैं तो कितने पढ़ने बाकी हैं? इफ अ बुक हैज 200 पेजेस एंड यू हैव रेड 75 ऑफ देम, हाउ मेनी पेजेस आर लेफ्ट टू रीड? ऑप्शन देखिए, ए 125, बी 150, सी 100 या डी 75। सर ऑप्शन ए 125। 125 कह रहे हैं, ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 200 में से 75 निकल गए, 125 बचे। आ गया है खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द किसी क्षेत्र की बिजली की कमी को कम करने के लिए उसकी आपूर्ति बंद करने को दर्शाता है? Which of these terms refers to the shutting of the electricity supply of an area to mitigate its shortage? A. Relapse, B. Short circuit, C. Transformer या D. Load shedding? Sir, load shedding लग रहा है। बिजली की कमी को कम करने के लिए। लोड शेडिंग ही होगा। ओके, यही ऑप्शन डी को कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दे दिया आपने, अब तो इससे परिचित है। ये बाजा जो है ये संकेत करता है सुपर सवाल का। ऑलराइट कंप्यूटर जी, सुपर सवाल पेश किया जाए। संविधान लागू होने के बाद भारत किस वर्ष एक गणतंत्र बना? इन विच ईयर डिड इंडिया बिकम अ रिपब्लिक व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट? 26 जनवरी 1950। सर 1950 कह रहे हैं, 26 जनवरी लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। आपने सही उत्तर दे करके सुपर सवाल का एक सुपर शक्ति को ग्रहण कर लिया है जिसका नाम है दुगनास्त्र। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं खेल में। तो मेरे महाशय, 6ठा प्रश्न अब डालेंगे इनके सामने, 20,000 रुपए। 6ठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी नदी जम्मू और कश्मीर से होकर बहती है? Which of these rivers flows through जम्मू एंड कश्मीर? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी चेनाब या डी तापी? सर चेनाब लग रहा है। सर चेनाब। हाँ सर, सी पे जाएंगे, चेनाब पे। चेनाब। ऑलराइट, सोच लिया है, सी कह रहे हैं चेनाब, ताला लगाया जाए।
क्या सोच में थे? ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। चेनाब जो है उत्तरी भारत की एक प्रमुख नदी है। हाँ सर। और ये पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले जम्मू और कश्मीर से होकर के बहती है, फिर पाकिस्तान चली जाती है। 20,000 हो गए, अगला प्रश्न आ रहा है। ये है सातवां प्रश्न। अच्छा। है 40,000 का सातवां प्रश्न, ये रहा आपके सामने। महाभारत के अनुसार भगवान परशुराम द्वारा मारे गए दंश असुर ने कीड़े के रूप में किसे काटा था? इन द महाभारत Whom did the asur dumsh bite in the form of an insect and was killed by Lord Parshuram? विकल्प आ गए, ए नंदी, बी कर्ण, सी पांडु या डी जरासंध। सर ऑप्शन बी कर्ण लग रहा है। बी कर्ण पे लॉक किया जाए। कंप्यूटर महाशय, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। कीड़े के रूप में दंश ने कर्ण को काटा था। दंश, और चूंकि उस समय भगवान परशुराम सो रहे थे। हाँ। और कर्ण उन्हें उठाना नहीं चाहते थे, इसलिए उसने वो दर्द सहा। जब भगवान परशुराम उठे और उन्हें इस असुर के बारे में पता चला तो उस असुर का वध कर दिया, जिससे उसकी मुक्ति हो गई। हाँ सर, ये कथा है महाभारत की। ऑलराइट। हाँ सर। धीरे धीरे आगे चलते हैं। दुग्नास जो है अभी भी ऑन है। आठवां प्रश्न, 80,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। मुंबई पुणे द्रुत गति महामार्ग का नाम महाराष्ट्र के किस पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखा गया है? उधर बट्टू दब गया है और इनको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। द मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे इज नेम्ड आफ्टर विच फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? और आपके सामने अब ऑप्शन रखता हूं। ए श्री वसंतराव नायक, बी श्री वसंत दादा पाटिल, सी श्री शंकर राव चव्हाण, डी श्री यशवंत राव चव्हाण। आपने बजर दबा दिया था, इसका मतलब आपको ज्ञान है कि क्या नाम है। सर यशवंत राव चव्हाण लग रहा है सर। लिया सर, क्या कह रहे हैं? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ऑलराइट। सोचने के बाद कह रहे हैं ऑप्शन डी। कंप्यूटर महाशय, इस पे ताला लगाया जाए। क्या सोच रहे थे आप? बिल्कुल सही जवाब है आपका। यशवंतराव चव्हाण जो थे वो महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री। और मुंबई पुणे जो एक्सप्रेसवे बना था ना, वो भारत में अपनी तरह का पहला प्रमुख राजमार्ग। हाँ सर, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। राइट मान्यवर, सही उत्तर हो गया। 80,000 रुपए आपने जीते थे और 80,000 रुपए आपको और मिलेंगे अब बोनस में। और ये 80,000 रुपए हम अभी के अभी ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। ये है डिजिटल ऐप, आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया और इसमें भर देंगे हम 80,000। देख लिया, 80,000 ही है। ओके किया, कंफर्म किया, पहुंच गया ये आपके बैंक अकाउंट में 80,000 रुपए बोनस। मान्यवर ये बताइए, ये 80,000 रुपए आपकी पहली कमाई है या क्या है? हाँ पहली कमाई है सर। पहली कमाई, वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। आपके लिए ये जो काम बनेगा करोड़पति का मंच है, ये आपके लिए क्या मायने रखता है? सर मेरे लिए बहुत मायने रखता है सर। मैंने इतनी दिक्कतों के बाद भी मैंने अपना ग्रेजुएशन किया कंप्लीट,
बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया मैंने। मेरे साथ जो पढ़ते थे वो लोग सर अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। अब वो कोई कंपनी में जॉब है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई वो अपने अपने जीवन में सेटल है, लेकिन मैं मेरी शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से कहीं ना कहीं उनके पीछे रह गया हूँ सर। ये तो एक बात है। और मैं अपने पैरों की ट्रीटमेंट कराना चाहता हूँ सर। और एक घर का बड़ा बेटा होने के नाते मैं, मुझ पर भी कुछ जिम्मेदारियां है सर। जैसे कि पापा ने लोन लिया हुआ है, उनका लोन चुकाने के लिए भी उनको मदद करनी है सर। छोटा भाई है, उसकी पढ़ाई चल रही, उसी में इनकी? थोड़ा हाँ सर, पढ़ाई चल रही है। ओके, क्या पढ़ाई कर रही है आपकी? सर मैं MCA कर रहा हूँ, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें भी मदद करनी है सर। एक छोटी बहन है, उसकी शादी करनी है, वो भी करनी है सर, शादी भी उसकी। जी जी जी, चलिए हम आशा करते हैं कि जितना भी आपने लोन लिया है आज ढेर सारी यहाँ से धनराशि जीत कर जाइए और एक संपूर्ण इंसान होकर के आप यहाँ से उठे आज। सर सर बहुत बहुत बधाई आपको किसान जी। अब आएगा आपके सामने नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए के लिए, तैयार हो जाइए। हाँ सर, नवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ये रहा। कौन सा भारतीय राज्य पारंपरिक कला बत्तोबाई गुड़िया के लिए प्रसिद्ध है? विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर द ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ बत्तोबाई डॉल्स? ऑप्शन देखिए, ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश या डी महाराष्ट्र। सर ऑडियंस पोल है? ऑडियंस पोल, ऑडियंस पोल लेंगे। ओके, शांत हो जाइए, टिकटिकी जी, ऑडियंस बारी आ गई आपकी, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। सी मध्य प्रदेश को दिया है 62%, 62%। जाएंगे जनता के साथ जाएंगे, बताइए क्या करें? सी, ऑप्शन सी, सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए, जनता के साथ जाएंगे। वेल प्लेड ऑडियंस इज द राइट आंसर। धन्यवाद। ग्वालियर का विरासत शहर अपनी विशिष्ट बत्तोबाई गुड़िया के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और ग्वालियर की एक कुशल शिल्पकार बत्तोबाई के नाम पर बनी ये कला। उनका नाम तो शिल्पकार थी वो, उनके परिवार की चार पीढ़ियों से चली आ रही है ये गुड़िया। कपड़े, कागज, मिट्टी, कपास, तार, बांस आदि जैसी सामग्रियों से हाथों से बनाई जाती है बत्तोबाई गुड़िया। वेल प्लेड ऑडियंस। ये संकेत है देश के सवाल का, तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल जो है वो किस देशवासी ने किया। नमस्ते अमिताभ जी, मैं कविता परीड़ा, पूरी उड़ीसा से। मेरा सवाल, जुलाई 2024 में किस मंदिर का रत्न भंडार या पवित्र कोष 46 साल बाद खुला गया? ऑप्शंस, ए श्री जगन्नाथ मंदिर, बी श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, सी श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, डी श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। धन्यवाद। और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। सबसे पहले देखते हैं कि किस वोटिंग यूनिट नंबर ने जीता है। 82 ओए भाई साहब, बधाई हो आपको। मानिए और अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम विनोद विजय है। विनोद जी बहुत बहुत बधाई, आपको जीत गए आप। ये पत्नी जी हैं बगल में? यस सर, मेरी वाइफ है वंचिता विजय। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। उत्तर बताइए क्या था? सर ए श्री जगन्नाथ मंदिर। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। डिबेट,
थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बिग हैंड फॉर विनोद. ऑलराइट प्रशांत जी, नौ प्रश्न हो गए और यहाँ पर एक और चेतावनी हम देते हैं अपने जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा. दसवां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा. पानीपत की पहली लड़ाई में किस कारण से इब्राहिम लोदी के हाथी डर गए और अपनी ही सेना को रौंदने लगे? इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, व्हाट कॉज्ड इब्राहिम लोदीज एलिफेंट्स टू बी स्केयर्ड एंड ट्रैम्पल लोदीज ओन आर्मी? ए मुगल यूनिफॉर्म, बी कैनन फायर, सी स्लिपरी बैटलफील्ड, या डी एनिमी एरोज? ए मुगलों की वर्दी, बी तोप का गोला, सी फिसलन भरा युद्ध क्षेत्र, या डी दुश्मनों के तीर? सर, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी. पहली बार इस लड़ाई में बाबर ने तोपों का यूज किया था, कैनन्स का यूज पहली बार हुआ था इसमें. तो इसी हिसाब से मुझे बी तोप का गोला लग रहा है. तोप का गोला लग रहा है आपको? हाँ सर. क्या करें, तोप का गोला लॉक करते हैं. लॉक कर दिया जाए, बी तोप का गोला. बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने भाई साहब, बधाई. हमारे क्यूरियस दर्शकों के लिए हम बता दें कि पानीपत की लड़ाई में बाबर को, जैसे कि आप अभी कह रहे थे, सैन्य लाभ मिला क्योंकि उसके पास तोपखाना था, कैनन्स, जबकि लोदी के पास नहीं था. ये समस्या तब और बढ़ गई जब लोदी के हाथियों ने तोप की आवाज सुनी और डर गए और अपनी ही सेना को रौंदने हुए वो इधर उधर भागने लगे. सबसे पहले मान्यवर, आपको एक चेक हम देंगे 3,20,000 रुपए का. बहुत बहुत बधाई. थैंक यू मान्यवर. अब आएगा, जैसे कि आप जानते हैं, सुपर संदूक. सुपर संदूक के बारे में तो आपको जानकारी है. अच्छा, हिंदी में पढ़े या अंग्रेजी में? हिंदी में सर. हिंदी में, ओके. ऑलराइट कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक. रेडी प्रशांत जी? हां सर. सुपर संदूक का आपका समय शुरू होता है अब. आमतौर पर इनमें से किससे चूल्हा जलाया जाता है? पेंसिल, चम्मच? टीडी माचिस सर. करेक्ट. नेक्स्ट, इनमें से क्या एक दक्षिण भारतीय राजधानी शहर है? चेन्नई. बी चेन्नई, बिल्कुल राइट. ईरानी कटिंग और मसाला शब्द मुख्यतः इनमें से किससे संबंधित हैं? चाय. चाय, चाय सर. करेक्ट. नेक्स्ट, जोसेफ स्टालिन इनमें से किस देश के नेता थे? अमेरिका, यूके, सोवियत संघ, चीन? सी, सोवियत संघ. करेक्ट. नेक्स्ट, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में पहली हैट्रिक किसने ली थी? लसित मलिंगा, जहीर खान, हरभजन सिंह, ब्रेटली? ए लसित मलिंगा सर. नहीं सर, रॉन्ग. नेक्स्ट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया किस तरह के पेशेवरों को नियंत्रित करता है? पेशेवरों को? ए एडवोकेट सर. ए एडवोकेट, बिल्कुल सही. नेक्स्ट, कौन सा शब्द कंप्यूटर के एक भाग का नाम पूरा करेगा? कीबोर्ड सर. करेक्ट. नेक्स्ट, एक विलुप्त पक्षी डोडो मुख्यतः किस देश में पाया जाता था? मॉरिशस, मालदीव, फिजी, क्यूबा? ए मॉरिशस सर. बिल्कुल सही. नेक्स्ट, किस काल्पनिक जासूस को अ स्टडी इन स्कारलेट में देखा गया था? मिस मार्पल, ब्योमकेश बख्शी, रॉबर्ट लैंगडन, शर्लक होम्स? शर्लक होम्स, डी. करेक्ट. नेक्स्ट, आप किस देश में रंग भेद संग्रहालय देख सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील? दक्षिण अफ्रीका सी. बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने. मान्यवर एक जगह चूक गए, वरना आपको घर पे भोजन खिलाना होता. 90,000 रुपए इन्होंने जीत लिए, 9 प्रश्नों का सही उत्तर देकर. थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत बधाई. थैंक यू. जहां आप गलत हो गए थे वो बता दें, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में पहली हैट्रिक किसने? ब्रेट ली ने. अब बताइए भाई साहब, ये 90,000 हैं, ये बैंक में जाएं कि अपनी लाइफलाइन जीवित कराएंगे? सर लाइफलाइन. लाइफलाइन जीवित कराएंगे. हाँ. कितना भरोसा है आपके ऊपर. ऑलराइट कमलेश जी, 90,000 के एवज में प्रशांत जी अपनी कोई भी लाइफलाइन है ऑडियंस कॉल की, इसको जीवित करना चाहेंगे, कर दीजिए जीवित.
ऑलराइट प्रशांत जी, बहुत बहुत बधाई आपको सर। अब प्रीताशी से एक बार बात कर लेते हैं, बहुत शांत बैठे हुए हैं। मान्यवर, आपको कैसा लग रहा है कि आपका सुपुत्र जो है आज यहाँ पर इतनी खूबसूरती से खेल रहा है? इसको देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसने अपने ज्ञान से, हिम्मत से, ताकत से आपके पास हॉटशॉट पर पहुंचा है, इसका मुझे बहुत बड़ा गर्व है सर। जी जी, धन्यवाद आपका सर। आपके छोटे भाई साहब यहाँ आए हुए हैं। इतना प्रोत्साहन इनके अंदर जो है, इनके दादाजी ने दिया है, आपने, सबने मिल के दिया है, आज कैसा लग रहा है आपको भाई साहब? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सर इतने दिक्कत होने के बावजूद भी सर सब चीजें जिंदगी में सर भैया पॉजिटिवली लेते हैं सर। और जो बात इन्होंने कही थी कि मुझे एक तो कर्ज लौटाना है और आपकी शिक्षा चल रही है उसके लिए खर्चा है, उसको देखना है, इस अवस्था में रह करके इस तरह सोचना, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत बधाई आपके भाई साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑलराइट प्रशांत जी, तैयार हो जाइए। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा नाम हिमालय की नीली भेड़ को संदर्भित करता है? विच ऑफ दीज नेम्स रिफर्स टू द ब्लू शीप ऑफ द हिमालय? ए चिरु, बी कियांग, सी शैन या डी भराल। कहीं देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो। सर इसके बारे में तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है। ओके, तो मैं ऑडियंस पोल लेंगे। ऑलराइट, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं प्रशांत जी, कंप्यूटर जी, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। भराल को मिला है सबसे ज्यादा 49%, ए बी और सी को मिला है 5, 20, 26। क्या कीजिएगा? जनता के साथ जाएंगे सर। ऑलराइट, डी पे ताला लगाने के लिए जनता कह रही है और प्रशांत जी भी कह रहे हैं, लगा दिया जाए। सर हमारा भी ऐसे ही हो रहा है, क्या बताएं आपको प्रशांत जी, हमें बड़ी उम्मीद थी कि आज आप और भी आगे जाएंगे, लेकिन हमारी उम्मीद जो है वो टूटी नहीं। बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बहुत बधाई। नीली भेड़ जो है वो अपने नाम के विपरीत ना ही नीली है और ना ही भेड़ है। अच्छा बताइए। अच्छा। वे गोट फैमिली से, लेकिन कहते हैं उनको नीली भेड़। हाँ, वो हिमालय में पाए जाते हैं और हिम तेंदुए का मुख्य शिकार है ये। मठ यानी मोनेस्ट्रीज वगैरह, बुद्ध की जो मठ होते हैं ना, अक्सर उनकी रक्षा करते हैं इनकी। अच्छा। और उनकी जो ग्रे खाल है, ये ग्रे खाल होती है जो इसे नीले रंग की चमक देती है। अच्छा। पहाड़ों में शायद ऐसा होता होगा, तो इसीलिए उसको नीली भेड़। हाँ, नीली भेड़ कहते हैं। मान्यवर जीत गए हैं आप 6,40,000 रुपए। धन्यवाद। अब आएगा आपके सामने प्रशांत जी 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ১৯১৫ में महात्मा गांधी मुंबई के अपोलो बंदर में किस जहाज पर सवार होकर भारत लौटे थे? In the year 1915, Mahatma Gandhi returned to India at Apollo Bandar in Mumbai on board which ship? Option suniye: A. HMS Caledonia, B. RMS Olympic, C. SS Arabia, D. SS Great Eastern. 1915 ki baat. Jahaj ka naam kya tha? दो लाइफलाइन है, सही उत्तर देंगे 12,50।
आंसर ऑप्शन सी एसएस अरेबिया। लगा दे ताला। लगा दीजिए सर। सी एसएस अरेबिया कह रहे हैं, इस पे ताला लगाया जाए। कैसे पता था आपको कि ये है? सर मैंने कहीं पढ़ा है कि वो गए थे एसएस सफारी से मतलब साउथ अफ्रीका और लौटे थे एसएस अरेबिया से। बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब, 12,50,000 रुपए जीत रहे आपने। महात्मा गांधी ने 1914 में बिल्कुल जो आप कह रहे थे दक्षिण अफ्रीका छोड़ दिया था, वे जहाज से इंग्लैंड गए और वहां से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। इस दिन को अब प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न आ गया है और ये है 25,00,000 रुपयों के लिए और 2 लाइफलाइन, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं। 13वां प्रश्न 25,00,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। किसकी मृत्यु के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी को यूएसएसआर के नेता लियोनिड ब्रेजनेव की शोक सभा के लिए अपनी यात्रा को बीच में छोड़कर वापस आना पड़ा? Whose death prompted श्रीमती इंदिरा गांधी to cut short her visit to the funeral of the leader of the USSR, लियोनिड ब्रेजनेव? ऑप्शंस देखिए, ए श्री फखरुद्दीन अली अहमद, बी श्री संजय गांधी, सी फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, डी आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे, श्री संजय गांधी, फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, श्री फखरुद्दीन अली अहमद। वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड सर, लाइफलाइन लेंगे। सहायता मांग रहे हैं कंप्यूटर महाशय, वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड की लाइफलाइन का प्रयोग करके इसको अंकित कर दिया जाए। और जो 3 नाम आपने दिए थे जिनसे आप बात कर सकते हैं वह यहाँ आ जाएंगे। देखिए, मयूर शिलाके हैं, अजय पाटिल हैं और राजगुरु केंद्र। मयूर शिलाके सर जी, मयूर शिलाके जी को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये आपके मित्र हैं, साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। मयूर जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति सर? नमस्कार सर। नमस्कार। मयूर जी, आपके एक मित्र प्रशांत हमारे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं। यस सर, यस सर। और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। प्रशांत जी, आपका समय शुरू होता है अब। हाँ मयूर भैया, इंदिरा गांधी यूएसएसआर चा नेता लियोनिड ब्रेजनेव चा शोक सभेला गेल्या होत्या आणि त्यांना तिथून सोडून यावं लागलं, कोणाच्या डेथमुळं? फखरुद्दीन अली अहमद, संजय गांधी, फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, आचार्य विनोबा भावे? मला असं वाटतं की 2 कन्फ्युजन मध्ये आहे मी। हा, तर फखरुद्दीन अली अहमद, हा, आणखीन आचार्य फखरुद्दीन अली अहमद आणि आचार्य विनोबा भावे, या 2 मध्ये मी सध्या कन्फ्युजन आहे। 2 मध्ये कन्फ्युजन आहे। यस, उनका समय समाप्त हो गया। किस और संभावना हो सकती है इसकी? सर फखरुद्दीन अली अहमद मुझे लग रहा है सर। सर डबल डिप लाइफलाइन लेंगे। डबल डिप लाइफलाइन अगर आपने ले लिया फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे भाई साहब, है ना? डबल डिप लाइफलाइन लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। प्रशांत जी, आपको मिलेंगे 2 अवसर उत्तर देने के।
पहला उत्तर बताइए। श्री फखरुद्दीन अली अहमद सर। ए बे ताला लगाया जाए। नहीं ये गलत। अब आपको अपना दूसरा उत्तर देना पड़ेगा। ऑप्शन डी आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन डी पे कह रहे हैं ताला लगाया जाए। ये सही हो गया। वेल प्लेड प्रशांत जी, क्या बात है। 25 लाख रुपए जीत लिए आपने। 10 नवंबर 1982 को लियोनिड ब्रेजनेव की मृत्यु हुई थी, जो सोवियत यूनियन के एक लीडर थे। 15 नवंबर 1982 को आचार्य विनोबा भावे जी की मृत्यु हुई। तो प्रशांत जी बहुत बहुत बधाई आपको, 25 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं। इस मंच पर बैठकर बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ कि बचपन में मैं मतलब ऐसे रेंग कर चलता था, आज मतलब ऑडियंस मेरे लिए तालियां बजा रही है। मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि जिस दादाजी की वजह से वो हुआ उनको मैं कभी नहीं भूल सकता दादाजी को सर। अगर वो नहीं मेरे जिंदगी में नहीं होते तो मैं उसी की तरह रेंगता ही चलता रहता मैं। यह फौजी का पोता है, ये कभी हार नहीं मानेगा। इसके दिल में हमेशा जिद रहना चाहिए। ये काम हम मुश्किल है मगर उसको पूरा करना है। आज सफल हो गए आप और आपके दादाजी की जो सीख थी, हाँ सर, वो आपने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण सीख बना ली। माननीय आपकी तीनों लाइफलाइन चली गई हैं, 25 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं। अगला प्रश्न जो है वो 50 लाख रुपयों के लिए। ये है 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए, और ये प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विनय मेनन एक वेलनेस कोच हैं जिन्होंने विश्व कप में बेल्जियन राष्ट्रीय टीम के साथ और किस इंग्लिश फुटबॉल क्लब के साथ काम किया है। विनय मेनन अ वेलनेस कोच हैज वर्क्ड फॉर द बेल्जियन नेशनल टीम एट द वर्ल्ड कप एंड विद विच इंग्लिश फुटबॉल क्लब। ए ऑप्शन देखिए, चेल्सी, बी लिवरपूल, सी आर्सेनल, डी मैनचेस्टर यूनाइटेड। ये चारों जो विकल्प है ये बहुत ही प्रख्यात विलायत के प्रीमियर लीग फुटबॉल क्लब्स हैं। विच इंग्लिश फुटबॉल क्लब के साथ उन्होंने काम किया हुआ। सर इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं सर। नहीं है, ओके। ट्वीट करना चाहूंगा सर। ट्वीट करेंगे, अंतिम निर्णय आपका। अंतिम निर्णय। ऑलराइट प्रशांत जी, आपको हम ट्वीट करने की अनुमति देते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको कि आपने 25 लाख रुपए आकर यहाँ से जीत लिया है। ये 25 लाख रुपए हम ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे और 25 लाख रुपया, 1 2 3 4 5 25 लाख रुपया। थैंक यू सर। ओके किया, कंफर्म किया। थैंक यू सर। तो गया आपके बैंक अकाउंट में अभी इसी वक्त, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। सर बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा ये जो प्रश्न पूछा गया इसका उत्तर देना पड़ेगा, किसी एक को गेस कीजिए। मैनचेस्टर यूनाइटेड। डी मैनचेस्टर यूनाइटेड को ताला लगा जाए। नहीं ये गलत है, सही उत्तर है चेल्सी। विनय मेनन एक योग और वेलनेस प्रशिक्षक हैं जिन्होंने चेल्सी में 13 साल तक काम किया है। क्लब का ओनरशिप बदलने के बाद उन्होंने 2022 विश्व कप में बेल्जियन टीम के साथ काम किया। अब वे भारत में AIFF के साथ काम कर रहे हैं।
ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, वहाँ काम कर रहे हैं।